तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम घूमने आए हैं अकबर का मकबरा जो कि आगरा में है सिकंदरा। तो चलिए आज मैं आपको घुमाती हूँ अकबर का मकबरा में। तो सबसे पहले फ़ोटोशूट तो लेना बनता है, इसलिए मैंने थोड़े पोजेस करती है और फोटोज ले ली। और आप देख सकते हो माय गॉड कितना बड़ा है। और अंदर जाते 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 हमें एक वो भी मिलती है नक्काशी, जिस पर कुछ लिखा हुआ है उर्दू में। तो आप लोग उसे ट्रांसलेट करके देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। तो चलो अंदर चलते हैं। ओ वाओ, ये कितना बड़ा है और इसके कितने बड़े बड़े गेट हैं। वाओ, और ये गेट तो बहुत पुराने हैं। और ये एक हॉल है, हॉल नहीं मतलब यहाँ पे आप जो भी कुछ बोलोगे ना वो दूर दूर तक गूंजेगा। जैसे मैंने हाय बोला तो वो बहुत दूर तक गूंजेगा। और यहाँ पे गार्ड अंकल भी बैठे थे जिससे हमने बातें करी। बातें करने के बाद हम ऊपर देख रहे थे क्या क्या है। तो यहाँ पे रानियाँ बैठती थी ऐसा गार्ड अंकल बता रहे थे पहले के ज़माने में, है ना। और ये बहुत बड़ा है। यहाँ की जो गेट है ना, इनको आप खोल के मैंने पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं, तो फिर गार्ड अंकल ने बोला नहीं, आप इनमें नहीं जा सकते हो। तो हमने बोला कोई बात नहीं। और ये कुछ लिखा हुआ है, ये हाँ, इस महल के बारे में जानकारी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जो आती है आप उसमें पढ़िए। हिंदी में आती है पीछे हिंदी की थी, इंग्लिश में आती है ये इंग्लिश की है, अभी आ रही है। ये हमारी इंग्लिश की है, आप इसे पढ़ के अकबर टॉम के बारे में जान सकते हो। तो गाइज ये हमारा अंदर का नज़ारा है। वाह, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं, आहा, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। तो गाइस ये एक कुआं है, क्योंकि जो पहले के वो होते थे खेती करने वाले लोग, फार्मर्स जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, तो उन्हें पानी की, वो पानी नहीं पी पाते थे ज़्यादा, तो इसलिए पानी की व्यवस्था करने के लिए ये कुआ है, कुआ खोला गया तो जिससे वो पानी पी सकें। और ये कुआ अभी इसमें पानी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बहुत पुराना है, बहुत, और वो अकबर के टाइम का है ना ये, इसलिए। और ये यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था थी। और यहाँ पे एक सिरिंग है, ये देखिए पत्थर का, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं आप इसमें। और अब ये अंदर का है, वाओ। और यहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया है जिससे आप अकबर टॉम के बारे में जान सकें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि लिखा हुआ है। तो गाइस अब मैं यहाँ पे डोल रही हूँ, देखो मैंने चीज़ भी कर दी। और यहाँ की नक्काशी वाओ। और ताजमहल और अकबर टूम में जो डिफरेंस है ना, अकबर टूम हमारा जहाँ पे हम अकबर का मकबरा बोलते हैं, ये जहाँ पे हम डोल रहे हैं ना अकबर का मकबरे में, ये हमारा रेड पत्थर से बना है। और ताजमहल वाइट मरमर के साथ, मरमर के साथ, सॉरी गाइस, वो वाइट सात मरमर के साथ बना है, ठीक है। मुझसे बोलने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, ठीक है ना। और आप देख सकते हो यहाँ की नक्काशी, वाओ। और ये बहुत पुराना है इसलिए यहाँ के पत्थर भी टूट गए हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी,
यहाँ पे कुछ लिखा गया है जो कि मैंने तो ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। अब आप भी करके देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये पत्थर भी टूटे हुए हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत पुराना है। और इसका व्यू देख के तो गाइस बहुत ही मज़ा आ गया। इसका ये पीछे का व्यू है और वो जो सूरज डूब रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, इतना ग्रीनी ग्रीनी भी है। ये तो यहाँ पे ये लोग पौधे पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे किसी का ट्री है, बनाना मतलब बना तो नहीं है, गुआवा या ऐसे करके कुछ है। और यहाँ पे तो फ्लावर्स भी बहुत अच्छे अच्छे लगाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप ना अपना खुद का पानी लाइए, पानी की बॉटल। वैसे तो यहाँ पे आप जा सकते हो, वॉशरूम भी जा सकते हो और पानी भी पी सकते हो, लेकिन आज हम आए थे ना तो आज हमें मिला नहीं। यस, आज हम आए थे, हम पानी की खोज कर रहे थे तो हमें मिला नहीं। ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वैसे तो आप अपना साथ भी लाते, ये भी अच्छी बात है। तो आप भी अपना साथ ही लाएँ, बाई चांस यहाँ पे आपको नहीं मिल पाया तो फिर कैसे पिएंगे आप पानी। तो इसलिए आप अपने साथ ही लाइए, सबसे बढ़िया बात। और ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, ठीक है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे सिर, यहाँ पे तीन गेट इस साइड, तीन गेट उस साइड। और ये हूँ मैं, और यहाँ पे पाव चल रही है। ये बात ओ गाइस, मज़ा आया घूम के मज़ा आया, है ना। तो चलो यार, ये देखिए गाइस, मैं हूँ तितली जो कि मैं फरफरा रही हूँ। ये मैं पक्षी मनो उड़ती फिरू मस्त का कलब है। और ये है, तो दोस्तों अब हमारा ये, यहाँ पे भी कुछ मतलब आप जहाँ पर भी जाओगे आपको पत्थर तो एक दो टूटे हुए मिलेंगे, क्योंकि भाई ये बहुत पुराना अकबर के ज़माने का है, तो थोड़ा तो खिड़पिड़ हो जाती है। गाइस मेरे शब्द ऐसे क्यों हो गए। देखिए यहाँ पे भी टूटा हुआ है, वहाँ पे भी टूटा हुआ था, कोई बात नहीं, हो जाता है। और यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता भी है, जी हाँ, ऊपर वो ऊपर आपको दिख रहा होगा वो मधुमक्खी का छत्ता है, ब्लैक 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 ब्लैक। मैंने आपको जूम करके नहीं दिखाया, सॉरी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिखी तो गया ही होगा। और यहाँ पे जाली सी लगी हुई थी, जी यहाँ पे जाली सी लगी हुई थी, जी जाली लगी हुई है। पहले के ज़माने में ना मतलब ताप के आ जाते थे लोग, इसके ऊपर से आ जाते थे, और मतलब रात में जैसे लाइट चली गई है ना, या फिर बाहर सोने का मन कर गया, तो यहाँ पे जब ये रेलिंग नहीं बनी थी तब यहीं पे अकबर टूम में आ जाते थे और रात में ठंडी ठंडी हवाओं में सोते थे, और बहुत मज़ा भी आता था। और ये पानी की व्यवस्था है, बट यहाँ पर ताले लगा हुआ है जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, और ये यहाँ पे ग्रीनी ग्रीनी बहुत है। तो चलो बातें बंद और एक साथ घूमते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रशियन भी आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोग्राफ्स हो रही हैं रशियन दीदी की। ओ वाह, यहाँ कितनी प्रीटी लग रही है, वाह, इन्हें देख के तो मैं माइंड ब्लो हो गया मेरा। तो दोस्तों आपको 30 से लेके 20 के बीच में टिकट्स मिल जाएंगी, और 10 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री टिकट्स हैं।
और यहाँ आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से टिकट्स ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो भी ले सकते हो, ऑफलाइन चाहिए ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जोश वो थे ना अकबर, वो ये चाह रहे थे कि मतलब ये अकबर टॉम इनके मरने से पहले बने, बट मजबूरी में ये नहीं बन पाया क्योंकि इनकी डेथ हो गई। फिर उनके बेटे ने ये बनवाया था और आप देख सकते हो कितना सुंदर इसकी नक्काशी करी गई है, पत्थर कितने अच्छे से लगाए गए हैं, पूरा ग्रीनी ग्रीनी किया गया है। और यहाँ पे पहले हिरन थे बट अब हमें हिरन नहीं देखने को मिले और ये बहुत दुख की बात है कि अब हम हिरन नहीं देख सकते। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये थोड़ा ये बहुत पुराना है तो इसलिए थर थर हो गया है। और यहाँ पे सूरज भी डूब रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और यहाँ पे बंदर है, बंदर है तो इसलिए आपको खाने की चीज़ अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए आप खाने की चीज़ तो ले ला सकते हैं क्योंकि बंदर छीन लेता है, तो आप बंदरों से सावधान रहिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम वहाँ पे जा रहे थे, जब अकबर के अंदर यहाँ ये है, ये अकबर की वो है कब्र, इसके अंदर जाके है बट हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें फ़ोन अलाउ नहीं किया गया, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, तो सॉरी। ये रानियों की कब्र है, शायद मैंने आपको दिखा दिया है, नहीं दिखा रही, ये रानियों की कब्र है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये एक भूल भुलैया सी दिखेगी, यहाँ पे नक्काशी भी बहुत अच्छी करी हुई है। ये एक भूल भुलैया ही है, एक गेट, उसके आगे का गेट, उससे आगे का गेट, उससे आगे का गेट, मतलब आपको सीधा दिखेगा, जो भी दिखेगा सब सीधा है, देखिए बिल्कुल सीधा दिखा। ये एक और हमारी कब्र आ गई, बिल्कुल सीधा दिख रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो फिर ये मैं पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर रही हूँ। ये कब्र है रानी की, यहाँ पे कोई, यहाँ पे भी नक्काशी करी गई है, यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं, तो यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो ना फोटोग्राफी, तो फिर आप नक्काशी, ये जो नक्काशी करी गई है ना जालियाँ, उससे कर सकते हो, बहुत अच्छी सुंदर आएगी। और यहाँ पे आपको सूरज की किरणें पूरे सीधे पड़ेंगी और ऊपर जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, यहाँ बीच में ना वो हीरे लगाए गए थे, तो यहाँ से हीरे अब गायब हो चुके हैं क्योंकि तब के लोग ले गए थे। और ये जो ये जाला सा बन रहा है ना, ये देखिए साइड में जाला सा बन रहा था, ये जाले से बन रहा है ना, ये वाला यहाँ पे दिए रखे जाते थे, दिए जला के। और मेरे ख्याल से तो ये मुझे भूल भुलैया ही लगी और मुझे मज़ा आया यहाँ पे घूमने में। और देखिए बिल्कुल सीधा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सीधा, कोई इधर उधर नहीं, बिल्कुल सीधा नज़ारा। और अब टाइम आ रहा है हमारे जाने का, तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं सॉरी शाम भी हो चुकी है, और देखिए मुझे परछाई भी दिख रही है मुझे मेरी। यहाँ पे आपको चार गेट मिलते हैं, ठीक है, चार गेट मिलते हैं, तो आप अच्छे से घूमिए फिरिए। और मैंने यहाँ पे रील भी बनाई थी, तो वो आप जाके चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी एक और महल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सॉरी एक और गेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब वो बन जाएगा तब हम उसे देख पाएंगे, अभी हमें इजाज़त नहीं मिली देखने की। और वो ग्रीन कपड़े से भी लिपटा हुआ था, देखिए वो जो ग्रीन ग्रीन कपड़ा दिख रहा है ना, वही है। और यहाँ पे ऊपर मधुमक्खी का छत्ता भी है, टाइल्स भी टूटी हुई, मैं आपको बता चुकी हूँ जिसलिए मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगी। और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है शाम को। और यहाँ पे 6 बजे हाँ 6 बजे गेट बंद कर दिए जाते हैं और 6 बजे आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। तो यही गेट है, ये ग्रीन ग्रीन लग रहा है ना, वही गेट था
जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो 6 बजे के बाद आप यहाँ पे नहीं घूम सकते हो। 6 बजे आपको यहाँ से निकाल दिया, मतलब यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो अकबर अकबर आते हैं आपको, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है मेरे ख्याल से। और हमने गार्ड अंकल से भी पूछा था, गार्ड अंकल ने भी मना कर दी थी कि सब कुछ नहीं होता है, बट लोग मानते हैं, तो आप उसके ख्याल तो नहीं कर सकते। यहाँ पे वो रानियों का वो भी था टब जिसमें वो लोग नहाते थे, वो बारा भी था, और कुछ भैया लोग उस पर चढ़ के मस्ती कर रहे थे, कर नहीं सकते थे, तो एक अंकल ने चिल्ला दिया और फिर स्टीफन सॉरी बोल के चले गए। फुब्बारा जिसे आप कहते हैं ना, वही इंग्लिश में टब कहते हैं। तो यहाँ पे पूरा ग्रीन है। पहले तो हिरन ऐसे ही डोले रहते थे डोलते, बट अब हमें नहीं देखने को मिले। सिर्फ यहाँ पे आपको पिकॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मैंने अपने तरफ चेहरा कर लिया है, और यहाँ की जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर है, बहुत। इसे कम से कम गार्ड अंकल से हमने पूछा ना, तो गार्ड अंकल बोले थे 22 ईयर्स या 23 ईयर्स लगे थे इसे पूरा बनने, 20 या 23, हाँ है ना, 20 या 23 ईयर्स ही लगे थे इसे बनने में। तो फिर इसे बहुत टाइम लगा बनने में, इसकी नक्काशी जो करी गई है। और ये एक आउल, शायद आउल या ईगल है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बताएगा वो क्या था, आउल है या ईगल है। और ये सामने अकबर की वो थी, सामने मैं वो है अकबर टॉम। और ये फुब्बारा है जहाँ पे साइड से मैं चल रही हूँ। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करने जा रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, जय जय।